वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेस्टी टेस्टी अच्छा सा 5 मिनट में बनने वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ये स्क्रीन हटने से पहले आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए। कमेंट आप लास्ट में भी कर सकते हैं। एंड द इंग्रेडिएंट्स आर रेसिपी की तरफ वाटर फॉर नीडिंग द डो एंड 2/3 कप ऑफ मैदा, 1 टेबल स्पून ऑफ घी, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड फॉर टॉपिंग्स आई एम टेकिंग सम फाइनली चॉप्ड ओनियन, सम बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, सम कैप्सिकम फाइनली चॉप्ड एंड सम फाइनली चॉप्ड टमाटो एंड सम टमाटो केचप, some sliced cheese and some cheese spread. Now I'm taking a bowl and now I'm adding some maida into it and then I'm putting the ghee and the salt into it. Now I'm adding the ghee and then now I'm adding the salt. Just a second. And now I'm adding the salt. Mix well the ingredients and knead the dough. You have to knead the dough soft and smooth. एकदम हमें नरम से एकदम अच्छे से ऐसे डो हम लोग को घुल लेना है, हल्का सा भी कड़ा नहीं होना चाहिए। एंड जो ये मेरी रेसिपी है 2 पिज्जास की है। अगर आप चाहें तो मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट को मतलब जितना मैदा से कम करके चीज़ों को थोड़ा आधा डिवाइड करके फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं गाइस। तो देखिए मैं इस मेथड से डो को स्मूथ बना रही हूँ एंड देखिए ये डो कितना से शाइन कर रहा है। एंड गाइस ये कम से कम मेथड हमें 2 मिनट्स तक करना है, मैं करने के बाद मिलूँगी। एंड गाइस मैं एक दो बार और कर लेती हूँ कि थोड़ा और स्मूथ हो जाए। देखिए गाइस हम लोग का डो अच्छे से स्मूथ हो गया। मैंने 2 मिनट्स तो नहीं ऑलमोस्ट 1 मिनट किया है। अब मैं अपना डो ले रही हूँ जो मैंने स्मूथ कर लिया है। और ये रेसिपी तो मैंने कहा था 2 पिज़्ज़ास के लिए, तो मैं पहले ये डो को नाइफ से हाफ कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, पर मैं नाइफ से कर ले रही हूँ कि एकदम इक्वली हो। हाफ करने के बाद मैं एक पार्ट को साइड रख दूँगी, वीडियो बनाने के बाद उसका भी बना लूँगी और अभी इस पिज़्ज़ा को रोल एंड पैन से मैं बेल लूँगी। गाइस आप ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है तो आप रोटी इतना मोटा ही रखिएगा, मतलब थिक क्रस्ट थोड़ी ना ब्रेड ऐसा कि मोटा रखना है, रोटी मतलब रोटी से मोटा थोड़ी ना रखना है। थिक क्रस्ट वाला अगर आप बोलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी गाइस। एंड थिक क्रस्ट वाला जो ब्रेड टाइप से होता है। एंड गाइस अभी तो मैंने थिन क्रस्ट बनाया, ये रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है गाइस। एंड देखिए मैं हमें रोटी ऐसे इसको पका लेना है। अगर आप चाहें जिस साइड पे आप साउस अप्लाई कर रहे हैं उस तरफ आप क्या कहते हैं होल्स भी बना सकते हैं फोक से। देखिए गाइस रोटी ऐसे हम लोग का कुक हो गया है गाइस। मैंने इसे 1/4 प्लेट में निकालिए गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जिस तरफ से ज़्यादा क्रिस्पी है उस तरफ साउस अप्लाई कर लीजिए। फिर मैं कर रही हूँ चीज़ स्लाइस अप्लाई। एंड गाइस आपको पता है मैं हर एक कोने कोने में चीज़ डालती हूँ, एकदम चीज़ी और एकदम टेस्टी लगे खाने में गाइस। एंड मैंने एक डाला, फिर उसके बाद मैंने देखा साइड वाइड में तो रह जा रहा है, तो मैं चीज़ स्लाइस को स्ट्रिप्स में काट के वहाँ पे लगा दे रही हूँ कि हर जगह एकदम चीज़ हो और एकदम चीज़ी और एकदम टेस्टी खाने में लगे। तो मैं अभी कट कर रही हूँ साइड में। एंड कट मैंने अब कर लिया, अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। देखिए ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा ज़रा सा उठाने के लिए थोड़ा छोड़ दिया है, वरना वहाँ पर भी मैं चीज़ डाल सकती हूँ, मैंने नहीं डाला। उठाने के लिए थोड़ा ऐसे लगाना चाहिए। एंड देखिए मैंने लगभग पूरे पिज़्ज़ा में हर एक कोने कोने में चीज़ लगा दिया है गाइस। एंड देन अब मैं इसके ऊपर डालूँगी टॉपिंग्स। एंड टॉपिंग्स में आप अपनी मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे कि ऑलिव हो गया या पीस हो गया मतलब मटर हो गया, या जो भी आपको दिल करे डालने का आप डाल सकते हैं, जैसे कि पनीर भी डाल सकते हैं
चिकन भी डाल सकते हैं, पर मैं खाली फोर इंग्रेडिएंट्स की टॉपिंग डाल रही हूँ। तो मैंने ओनियन डाल दिया है फाइनली चॉप, एंड फाइनली चॉप टमाटो भी डाल दिए। अब मैं फाइनली चॉप डाल रही हूँ कैप्सिकम, एंड कैप्सिकम डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी बॉइल्ड स्वीट कॉर्न की टॉपिंग। अगर आप चाहें तो खाली ओनियन एंड स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, उससे स्वीट कॉर्न फ्लेवर का पिज्ज़ा बनेगा, वो भी आपका दिल में। तो आपका जैसे टॉपिंग्स पसंद है वैसे भी कर सकते हैं। एंड देखिए मैं कितना अच्छे से भर भर के कर रही हूँ, बहुत एक्सट्रीम पे भी नहीं कर रही, लेकिन हाँ बहुत डाल रही हूँ, खास करके ऐसे टेस्टी लगता है खाने में। अब हमें फ्राइंग पैन की गैस ऑन कर देनी है, और फिर अभी वो मैं बाद में कर लूँगी, सॉरी अभी कर दिया। हाँ अब मैं चीज़ को, चीज़ स्लाइस है ना, मैं हर एक कोने कोने में चीज़ चाहती हूँ, इसलिए मैंने छोटे 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 स्लाइसेस में डाल के फिर पिज्ज़ा के ऊपर डाल दे रही हूँ। गाइस देखिए कितना टेस्टी लग रहा है अभी से पिज्ज़ा, और हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, 2-3 मिनट्स में एकदम चीज़ी टेस्टी पिज़्ज़ा बन के निकल आएगा। गाइस सच में यकीनी तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही यमी और टेस्टी और बहुत कम समय और मेहनत के बनाए वीडियोस में। और मैं एक वीडियो ही बनाती हूँ एक रेसिपी की, क्योंकि बहुत बना से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं। पर मैं थिक क्रस्ट भी एक दिन बनाऊंगी जब आप मुझे बोलिएगा। एंड अभी मैंने फ्राइंग पैन ऑन कर दिया गाइस, इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा ऑयल डाल रही हूँ जितना मैंने बताया, पर आप उतना भी डाल सकते हैं जितना मैंने आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में बताया, पर मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए। एंड जितना मैंने आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में बताया उससे भी अच्छा क्रिस्पी बनेगा, पर मैंने खास कर थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, आप भी डाल सकते हैं जैसे आप जैसा आपका दिल। अब मैं पिज्ज़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ एकदम ध्यान से कि एक भी इंग्रेडिएंट नीचे ना गिरे, डाल दिया गाइस। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके 2-3 मिनट्स कुक कर लेंगे ढक के, उससे पहले मैं इसके ऊपर चीज़ सॉस भी डाल दे रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना गाइस। तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, देखिए खूब सा मैं डाल रही हूँ, और मैं अब डालने के बाद और 2-3 मिनट्स कुक होने के बाद मुझे वाह पिज़्ज़ा कितना चीज़ी लग रहा है, साइड में एकदम मेल्ट करता है, और 2-3 मिनट में इतना यम्मी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको नेक्स्ट और कौन सी रेसिपी चाहिए। देखिए कितना क्रिस्पी पिज़्ज़ा है, ये जो है फोक अंदर नहीं घुस रहा, एकदम ऐसे एकदम रफ, एकदम टेस्टी क्रिस्पी चीज़ी, कम से कम समय में बिना यीस्ट के बिना बन के, वो भी 5 मिनट में, वो भी कम से कम सामान के। देखिए गाइस कितना चीज़ी और यमी है। तो आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए आप जरूर बताइएगा, एंड देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, देखिए कितना चीज़ी है, दूसरे लोग भी तो मेरी रेसिपी ज़्यादा सीखे। बाय बाय गाइस।